आज तो विकनिक जो है वो घर की गड्डी निहाला सिंह गार्ड मतलब ऑफिस के बाहर ही कर देते हैं। क्या हुआ ना, इतना लंबा वर्ल्ड कप चल रहा है, एक दिन भी छुट्टी नहीं है, थक गया हूँ अंदर बैठे बैठे, तो सोचा थोड़ा बाहर आओ, अच्छे मौसम का आप लुत्फ उठाएं और खाना इतना जबरदस्त आपको मिलता है। ये तो है, चॉइसेस बहुत है। हाँ, तो आप समोसे खाना चाहेंगे फैट, या आप खाना चाहेंगे भेलपूरी जो कि सेमी फैट, या फिर आप खाना चाहेंगे प्रोटीन जो इमाम और पाकिस्तानी टीम को चाहिए थी, यानी कि अमेरिकन पिस्ताचियोस। नहीं, मैं सब फर्स्ट चॉइस तो अमेरिकन पिस्ताचियो है, सेहत अगर अच्छी रखनी है। आई थिंक पाकिस्तान टीम की भी फर्स्ट चॉइस आइडियली वो होनी चाहिए। नहीं थी ना, ना उन्होंने कहा है हमें तो फैट पसंद है, वो प्रोटीन खाते ये अमेरिकन पिस्ताचियोस, तो पता नहीं टीम उनकी कहाँ से कहाँ पहुँच गई होती। वसीम अक्रम ने कहा है कि मुंह इन्ने वड्डे वड्डे हो गए ने, मैं नाम तो नहीं लूंगा प्लेयरों के, 8-8 किलो इन्होंने मटन खाए हैं, नल्ली निहारी खाई है, जो इन्होंने खाई भी है। नहीं तो इमाम ने तो उस दिन बोल ही दिया ना, क्या इमाम उल हक ने तो उस दिन बोला है कि फैट की बजाय प्रोटीन दे दो, तो फैट तो मान लिया उन्होंने कि हम खा रहे हैं 8-8 किलो। फैट तो अच्छा होगा, फैट इज गुड बट इन लिमिटेड क्वांटिटी एंड गुड फैट। 8 किलो नहीं, यस नॉट 8 किलो, लाइक इसमें जैसे आता है प्रोटीन, प्रोटीन तो खा रही है अमेरिकन पिस्ताचियोस जबरदस्त। और फैट तो हुआ क्या पाकिस्तान टीम, भाई साहब बना दीजिए मुझे, बनाए आप झालमुरी, और आप क्या कहेंगे? मुझे भी कुछ भी बना दीजिए, मेरे में मिर्च नहीं डालनी। ठीक है, तो दो झालमुरी बना दीजिए, दो पैकेट, बिना मिर्च के बना दो। अलग अलग क्यों बना रहे हो भाई, बिना मिर्च के खा रहे हैं तो। चलो ठीक, सब बन जाएगा सर, बना दीजिए सर, सब बन जाता है। ठीक है, पाकिस्तान को क्या हुआ है मैं बताता हूँ। पाकिस्तान को ये हुआ है कि पाकिस्तान आया लूले लंगड़े स्पिनर्स के साथ, आके आप थोड़ी जीत सकते हो। मतलब वो सेम स्ट्रिप यूज हुई थी पिछले मैच में जो इंडिया ऑस्ट्रेलिया वाली स्ट्रिप थी। अफगानिस्तान के स्पिनर्स ने ठीक ठाक गेंदबाजी की, रन भी पाकिस्तान को लगा होगा उस टाइम, ठीक ठाक लगाए, लेकिन अगर आप ठीक ठाक स्पिनर्स के साथ खेलते ना तो आप शायद अफगानिस्तान को फंसा ही सकते थे। आप कैसे भी स्पिनर्स उनको खिला लो, चाहे उसामा मीर को खिला लो, चाहे आप शादाब को खिला लो, नवाज, आधे स्पिनरों से आप नहीं जीत सकते। दूसरी बात, एक और चीज़ एक्सपोज होगी, वो है पाकिस्तान की बॉलिंग। अगर कंडीशंस हेल्पफुल नहीं है, फास्ट बॉलिंग की बात करो, तो आप वो कुछ नहीं विकेट निकाल सकते। एक चीज़ मैंने देखी है, हारिस रौफ, क्योंकि ना मैं रमेश राजा का एक बयान सुन रहा था, उन्होंने कहा देखो यार पेस होती है ना, पेस तो पेस है, मतलब लोगों को डरा देती है, पर आजकल लोग ये भूल गए हैं कि कितनी भी पेस हो, हारिस रौफ के बाद जब तक तो कोई वेरिएशन नहीं आएगी ना, कुछ और चीज़ नहीं करेंगे, थैंक यू वेरी मच, कुछ नहीं कर सकते। थैंक यू, सिर्फ पेस तो आजकल क्या है, आप बॉलिंग मशीन के साथ ज़्यादा दे दिया आपने मुझे, ये मैं बाद में भी खाऊंगा, बहुत ज़्यादा। हाँ, मतलब इतनी पेस तो अफगानिस्तान के प्लेयर हर जगह हर लीग में खेलते हैं, बॉलिंग मशीन से आप खेलते हो, 150 की तो सबको आदत है, पेस से आप थोड़ी, अब डरा हुआ 20 साल पहले होता था कि पेस से आप छोटी टीमों को डरा देते थे, अब छोटी टीम हो कैसी भी टीम हो वो लगाते हैं जितनी तेज बॉल उतनी तेज छक्का, फंसा सकते हैं। कि 50 दिन पहले आप पाकिस्तान को टॉप 4 में रख रहे थे? नहीं रखा था, एशिया कप पहले जब शुरू होना था तब भी नहीं रखा था। अच्छा, मैं बताऊँ क्यों, उस वक्त हालांकि उनके स्पिनर्स की तो हमने बात की थी, उनकी बैटिंग मुझे इतनी कॉन्फिडेंस नहीं देती थी, मुझे लगता था जैसे इंडियन टीम T20 टेम्पलेट एक कदम पीछे खेल रही थी ना दुनिया से, मुझे लग रहा था पाकिस्तान की बैटिंग भी ना एक कदम पीछे चल रही थी, सेफ बैटिंग कर रहे थे, कोई ऐसा एक्स फैक्टर नहीं। अब नींबू डालिए, नींबू डालिए, नींबू तो ठीक है, नींबू बिल्कुल अच्छा, विटामिन सी, प्रोटीन मिल रही है हमें अमेरिकन पिस्ताचियोस से, विटामिन सी भी मिल रहा है। आपने रखा, आपको एक बात बताऊं, मैंने पाकिस्तान को टॉप 4 में रखा था, और जो कैंडी वाला 2 तारीख को हमारा मैच हुआ था, मुझे लगा था कि पाकिस्तान इज अ वेरी गुड टीम, क्योंकि बाबर आजम, शाहीन अफरीदी, सबको हुआ ये। लेकिन निखिल, जो मेरा मानना है कि आई थिंक उनकी कैपेबिलिटी लिमिटेड थी, और शायद हम उनको ओवररेट कर रहे थे। ओवररेट इसलिए कर रहे थे क्योंकि इंडिया पाकिस्तान बहुत ज़्यादा खेलता नहीं था, आई थिंक एक इम्पैक्ट था T20 का, क्योंकि T20 में वो 4-4 ओवर वाले बॉलर हैं उनके, और ये उनको भी दिख गया होगा कि अरे 10-10 ओवर वाले बॉलर नहीं है। नसीम शाह को भी चलो चोट लग गई, थोड़ा कॉम्बिनेशन डिस्टर्ब हो गया, बट आई थिंक मेन चीज़ तो आप बॉलिंग छोड़िए, उनकी बैटिंग क्या है, बैटिंग भी उनकी क्या है कि आप खेलते ही 270 के लिए हो, आप 370 के लिए खेलोगे तो ही आप 350 बनाओगे, वो खेलते 270 के लिए, और 270 अगर वो उनकी 1999 वाली या 96 वाली या 92 वाली बॉलिंग हो ना, वो 270 में भी 50 रन से जीत जाए, प्लस वो रूल्स भी हो, एग्जैक्ट रिवर्स स्विंग हो नहीं, और यहाँ तो ये वाली टीम इनकी 370 भी करा देगी। अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे अभी भी वहाँ पे क्या हो रहा है कि जब वर्ल्ड कप आना था ना,
मुझे लगता है कि पाकिस्तान ने आखिरी जो 6 महीने थे, टीम की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, थैंक यू सर, मैं ये थोड़ा सा दीजिए ना, स्पेशल भेल जो है वही रख सकते हैं आप, वो जो है अमेरिकन पिस्ताशियो के। मैं ये कह रहा था निखिल कि ये ले, ओ थैंक यू, मैं कह रहा था कि लास्ट जो पाकिस्तान का सोशल मीडिया जो है और सोशल मीडिया वॉरियर्स, टीम की हार के लिए वो लोग जिम्मेदार हैं, उन्होंने ऐसा बनाया, जो 2 साल पहले हमने भी गलती की थी हमारे इंडिया में, वो दुबई वाले वर्ल्ड T20 से पहले हरा देंगे पाकिस्तान को, ये कर देंगे वो कर देंगे, फिर डिबेट हुआ कि खेलना चाहिए कि नहीं खेलना चाहिए, आई थिंक हमारे प्लेयरों पे वो प्रेशर आ गया कि अगर पाकिस्तान से हार गए तो क्या होगा, एंड वो फियर ऑफ फेलियर आपने देख लिया। अब इन्होंने क्या किया, एशिया कप हमारा है, हाइब्रिड होगा, हम वर्ल्ड कप हाइब्रिड खेलेंगे, अकेले ही बोलते रहते थे। नहीं, दूसरा इंडिया डर गया, इंडिया डर गया, डर गया, इंडिया खेलना नहीं चाहता, एक मैच में ये हुआ। क्या आपने ये कहना शुरू कर दिया, भाई साहब मिर्च नहीं डाली? नहीं डाली। अगर ये नहीं डाली है तो फिर मतलब दूसरा बना लेते हैं। नहीं नहीं नहीं, तो मैं ये कह रहा था कि आपने इतना प्रेशर अपनी टीम पे डाल दिया कि इंडिया को हरा देंगे, इंडिया डर गया, ये हो गया वो हो गया, बिकॉज वहाँ पर सबकी दुकानें चलनी चाहिए, सोशल मीडिया पर सबकी दुकानें चलनी है, अपनी दुकान चलने के लिए आप हर रोज़ इंडिया को गाली देते, बट प्रेशर आपकी टीम पे आ गया, फिर वो कैंडी वाला मैच हुआ, एशिया कप हुआ, हाइब्रिड मॉडल का उनको नुकसान हुआ है। नुकसान कहाँ हुआ है, आपने पहले तो अपने प्लेयरों को बना दिया मतलब मुर्गी की तरह, आपने ट्रीट किया उनको कि भागो हमारी शान है, एक काम करो तुम एक तो ना अफगानिस्तान के साथ 3 मैच खेलो, श्रीलंका में खेलो गर्मी में, फिर एक काम करते हैं पहला मैच हम खेलेंगे मुल्तान एशिया कप का, रात तो रात फ्लाइट पकड़ो कोलंबो लैंड हो, कोलंबो से 5 घंटे आप जाओ पहले खेले, मैच खत्म हो गया चलो 5 घंटे वापस आओ और चलो फ्लाइट लेके आओ लाहौर, अब हम खेलेंगे अपने एशिया कप के मैच यहाँ पे, वो मैच हुए चलो फ्लाइट पकड़ो कोलंबो। आई थिंक उनकी टीम ना वो फटीग आ गया, फिर जब आप हारना शुरू होते हैं और मोइन खान ने भी कहा ये और आप हारते भी, और ये दोनों चीजें हो गई मिक्स, उन्होंने ये भी कहा पकड़ नहीं पाए, उन्होंने ये भी कहा श्रीलंका में भी जो आपने खेली ना सीरीज, टेस्ट सीरीज है, उससे भी धकान हुआ, पहले हो गई थी ना, मैं तो अफगानिस्तान के मैचेस की बात कर रहा हूँ, अफगानिस्तान मैच भी जो आपने 3 मैच इन्होंने खेले थे, चलो ये सब हो गया, उसके बाद क्या हुआ, इंडिया थोड़ा फ्रेश आया, इंडिया थोड़ा फ्रेश आया कंपैरेटिवली, और इंडिया ने सही वक्त पर पीक करना शुरू कर दिया, जब इंडिया ने सही वक्त पर पीक करना शुरू कर दिया तो पाकिस्तान आया जी वर्ल्ड कप में, सबसे पहले आपके वहां पे रोना क्या था, अरे हमारा मैच अहमदाबाद में क्यों रखा है, प्रेशर किस पे, पाकिस्तानी प्लेयरों पे, फिर कुछ लोग अरे वो दिन आएगा जब 135,000 हिंदुस्तानियों के आगे हमारे ये 11 प्लेयर जीतेंगे, वाह वाह वाह, प्रेशर किस पे हुआ, पाकिस्तान पे, इंडिया से कोई बात नहीं है, करते 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 कभी आप कह रहे हो दिल दिल पाकिस्तान नहीं बज रहा, कभी आप कहते हो यार इनको खाने में फलाना नहीं मिल रहा, कभी आप कहते हो जी इनकी ना प्रैक्टिस की बत्ती क्यों बंद हो गई, कभी आप कहते हो यार ये पेड़ हरा क्यों है, फिर तो ये इस तरह की नुक्ताचीनी में आ गए कि हर चीज, इंडिया तो जी वर्ल्ड कप नहीं करा सकता, इंडिया तो जी फलाना नहीं करा सकता, इंडिया की टीम ने ऐसा फेंटा लगाया इनको उस मैच में, ओरिजिनल शोएब अख्तर कहते हैं फेंटा लगाया वहां पर ना, फिर क्या हुआ, नकली तरीके से आप ना वो बनाए जा रहे थे, हम ऑस्ट्रेलिया को मार देंगे, फिर आपने शो डाला अफगानिस्तान के साथ चेन्नई में क्यों करा रहे हो, अब मैं हैरान हो गया, हैरान हो गया, इवन वहां के प्लेयर्स ने भी, इंडिया ने कर दी साजिश, इंडिया ने उस पिच पे हमें खिलाना है जहां पे वो ऑस्ट्रेलिया को खेला है, क्योंकि अफगानिस्तान के पास स्पिनर है, क्योंकि फलाना है ढिमकाना है, अरे भाई जो आप पिच पे खेले हो, इट वॉज अ शर्ट फ्रंट विकेट बॉस, इससे अच्छी बैटिंग के लिए शीशा विकेट दिए, 650 रन बने उस मैच में, 650 रन बने उस मैच में, और अगर दो और बेहतर बैटिंग वाली टीमें होती ना 750 रन बनते इस पिच पे, आपके पास स्किल नहीं थी, सबसे बड़ी बात आपके पास स्किल नहीं थी, और आप काबिलियत में भी थोड़े कम रह गए, फिर गुर्दा था ही नहीं, फिर इन्होंने बाबर आजम को पहले चढ़ाया, और फिर बाबर आजम को अभी एक ही मैच हारा था ये पाकिस्तान, वहां पे शुरू हो गए हटा दो कप्तानी से हटा दो, अरे यार ये तो दिस इज
इनसेन वर्ल्ड कप कैंपेन के दरमियान अगर आप ये कह दो हटा दो हटा दो हटा दो तो खत्म है भाई। अभी भी वहां पे उम्मीद लगा रहे हैं, आपको उम्मीद है कि ये इनके जो चार मैच हैं ये जो चारों जीत के हम चले जाएंगे 1992 की तरह? कोई चांस ही नहीं है 1992 और इसमें यार जमीन आसमान का फर्क। मैं वही कह रहा हूं ना, कल मैंने उसको चर्चा भी की, जब चार महीने थे वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले तब आपकी खबर आई कि भाई हमारी पाकिस्तान कह रहा है हमारा मैच आपने अफगानिस्तान के साथ वहाँ क्यों रखा या फिर इंडिया को अहमदाबाद में क्यों रखा, तब मुझे याद है शायद अफरीदी ने कहा था हाँ। यार आप ये सब चीजें बंद करो। वसीम अकरम ने भी बोला कि आप कहाँ खेल रहे हो, आप वहाँ जाओ चुप रहो खड़ा रहो, आप अगर इतने लाख वो है आप उनके सामने हराओ। अच्छा चेन्नई पे आपने तब से ये अंदाजा लगा लिया था, मतलब आपने तब बता दिया था ना कि अगर फर्ज करो साजिश है भी, जो है नहीं मैं कह रहा हूँ मान लो है, तो भी आपने ये मन बना लिया था कि यार पाकिस्तान की टीम आज के दिन आप ये सोच सकते हो कि स्पिन फ्रेंडली ट्रैक पे दूसरी टीम बेहतर स्टार्ट होती है, वो आपकी मानसिकता दिखा दी कि आप कितने वीक हो। इंडियन टीम कभी ऐसे नहीं कहती वो लोग कि स्पिन फ्रेंडली ट्रैक पे। अगर आप पाकिस्तान में हैं, पाकिस्तानी क्रिकेट फैन है ना ओरिजिनल, आपके वहां से सोशल मीडिया के जरिए अपनी टीम का फायदा नहीं कराया गया, आपकी टीम का नुकसान कराया गया। लोग चाहते थे मुझे तो लगता है देख के कि हार जाए आपकी टीम, और वही चीज हो रही है। बट स्टोरी ऑफ द वर्ल्ड कप है अफगानिस्तान, उनकी जितनी परफॉर्मेंस देख के मुझे जो खुशी हुई है, मैं आपको मतलब अफगानिस्तान टीम की जो स्पिरिट है उसकी कहानी बता देता हूँ। मुझे अफगानिस्तान खेमे से पता चला है तो अफगानिस्तान जब यहाँ आई खेलने, क्योंकि ना पाकिस्तान में किस चीज़ की आलोचना हो रही है, ये हो रही है कि आपने अंग्रेजी कोच क्यों रखा, जो मैं बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि मिकी आर्थर क्यों है, सकलेन मुश्ताक इतना अच्छा काम कर रहे हैं, पर जैसे उनकी वहाँ पर चेंज होती है मैनेजमेंट, जो मोहम्मद यूसुफ इन्होंने इतना अच्छा काम किया, आप नहीं मैं कह रहा हूँ मिकी आर्थर से भी तो पूछना चाहिए ना क्या आपके रिजल्ट हैं, आपको इतने पैसे क्यों मिलते हैं, क्या है इशू क्या है, जो वसीम अकरम ने जो बताया आपको, सकलेन मुश्ताक को 10 लाख रुपए महीना तनख्वाह थी पाकिस्तान में, उसको लेके बाकियों को परेशानी थी, उन्होंने कहा सकलेन मुश्ताक को निकाल दो, ये नहीं सोचा कि भला क्या होगा। भाई पाकिस्तान अगर पाकिस्तान की तरह से खेलेगा ना तो ही जीतेगा, अगर पाकिस्तान साउथ अफ्रीका की तरह खेलने की कोशिश करेगा या इंग्लैंड की तरह, तो भाई साहब ये लगा तो कभी नहीं जीतेगा। आपकी टीम भी जो थी मैंने एशिया कप में भी देखा, आपके लड़के बड़े अच्छे हैं और बड़े मतलब लड़कों ने अपने आप को बहुत अच्छा कंडक्ट किया टीम ने, वो हाथ मिलाना जफ्फियाँ डालनी ठीक है यार वो मैदान के बाहर, पर आपकी टीम में वो अग्रेशन दिखाई नहीं, बाद में आया था। वसीम अकरम भी उस जमाने में सचिन तेंदुलकर के हाथ मिलाते थे जफ्फी डालते थे ग्राउंड में नहीं बॉस, तो वो अग्रेशन नहीं थी। और कहीं ना मैं आपको एक बात बताऊं, ये आपको चुभे की बात, आप जीतने वर्ल्ड कप आए थे या दुनिया जीतने आए थे मुझे ये बताओ। मैं बार बार कहता हूं अगर मेरा मुल्क है, मैं इंडियन हूं, मैं अपनी टीम को सपोर्ट करना चाहता हूं इंडिया की टीम को, या मैं प्लेयर हूं इंडिया का, मैं झंडा किसका लगाऊंगा, अपने मुल्क का, मैं लिखूंगा आई स्टैंड विद इंडिया, मैं आई स्टैंड विद इंडिया, आई वॉन्ट इंडिया टू डू वेल। आपके प्लेयर्स मुझे लगा बीच में unnecessarily, अब जिसका भी सोशल मीडिया प्रेशर था डिस्ट्रैक्ट हो गए। अच्छा आप बात करें उन्होंने पाकिस्तान का झंडा लगाया हाँ, स्टैंड विद पाकिस्तान, उसको ले उनके चॉइस है, बट भाई देखो क्या इंडिया के प्लेयरों ने किसी का झंडा नहीं, यार ये प्लेयर्स का काम नहीं है, आपका काम है वर्ल्ड कप। बिकॉज देखिए अगर इंडिया वर्ल्ड कप जीतता है हम सब इस बात को समझते हैं कि आज की तारीख में दुनिया में हर कोई मुश्किल दौर से गुजर रहा है, फाइनेंशियली गुर्बत। इंडिया अगर वर्ल्ड कप जीतेगा आप समझते हैं कि इंडिया की जो मतलब अपलिफ्टमेंट है, जो 140 करोड़ लोगों को जो खुशी मिलेगी, सिमिलरली अगर पाकिस्तान जीता तो आपके 30 करोड़ लोग आपके मुल्क के लिए कितनी बड़ी, अफगानिस्तान का हाल देखो उस मुल्क के पास क्रिकेट के अलावा क्या है, कितने खुश हैं वो लोग। सो आप अपने मुल्क का देखो, आप जीतने आए हो वर्ल्ड कप, आप आए हो वर्ल्ड कप जीतने, आप वर्ल्ड कप जीत के जाओ, लेकिन आपको स्टेटमेंट्स देनी है उसकी ज़रूरत नहीं है। हालांकि पैट कमिंस से भी ये सवाल पूछा गया था, उन्होंने कहा मेरे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, खिलाड़ी में कैरेक्टर होना चाहिए, उसको ये सब चीज़ें कहनी चाहिए। बहरहाल अफगानिस्तान की टीम जो है उन्होंने झटके दिए हैं और इस वक्त वायरल हो रहे हैं अजय जडेजा, सचिन तेंदुलकर ने ट्वीट करके बोला है कि भाई ये अफगानिस्तान अच्छा तो कर रहा है, कहीं यहाँ अजय जडेजा का तो दिमाग नहीं है, और क्योंकि हमने इतना समय बिताया अजय जडेजा के साथ, कहीं ना कहीं मुझे लगता है उनका दिमाग तो है, जिस अंदाज में वो अमेरिकन पिस्ताशियो क्रिकेट खेल रही थी ना अफगानिस्तान की टीम, जो उन्होंने कल सिंगल को डबल किया है, जो उनका माइंडसेट है, जो वो परसेंटेज क्रिकेट खेल रहे हैं, जो उनको पता है कि हमने 270 बनाना है, चांस देना अपने आप को, सब चीज़ वहाँ की है। तो मेरे को एक कोई अफगानिस्तान खेमे से बता रहा था कि
जो है फॉरेन कोचेस को लेकर इशू है ना, तो अफगानिस्तान में भी एक एनालिस्ट थे, वो क्या करते थे, रोज़ वीडियो चलाते थे कि ये देखो साउथ अफ्रीकन रग्बी टीम ने कैसे यहाँ से वहाँ किया, इंस्पिरेशनल। किसी दिन ऑस्ट्रेलियन टीम का चलाते थे, ये देखो ऑस्ट्रेलियन टीम ने यहाँ से यहाँ क्या किया, ऐसे करके ढेर सारी मतलब इंस्पायर करते थे। तो एक समझदार इंसान ने आकर उनको कहा कि यार आप इनको ये ना दिखाओ कि दक्षिण अफ्रीका के रग्बी टीम ने क्या किया या ऑस्ट्रेलिया की कोई फुटबॉल टीम ने क्या किया या ब्राज़ील के, आप इनको इनकी हिस्ट्री दिखाओ, आप अफगानिस्तान को ये दिखाओ कि यार इतने सालों में कितने बड़े बड़े देशों ने अफगानिस्तान को कब्जा करने की कोशिश की, ब्रिटिश इंडिया हो गया, ब्रिटिश पाकिस्तान हो गया, ब्रिटिश अफगानिस्तान नहीं होने दिया, रशिया आया, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कंट्री जिन्होंने अफगानिस्तान पे कब्जा करने की कोशिश की, उन्होंने नहीं होने दिया। वो क्यों? क्योंकि उनका जज्बा कुछ ऐसा है कि मतलब जितने लोगों ने उन पे चढ़ाई करने की कोशिश की, लड़ाई करने की कोशिश की, उन्होंने उनको, उनकी ट्राइब्स ऐसी होती थी ना, वो जज्बे, जो पठान, असली पठान, वो तो वो स्पिरिट जब आई ना, तो वो उनको अब एहसास हुआ है कि यार हम पठान हैं, हम तो मतलब किसी के काबू में नहीं आते, ये टीमें हमें कैसे काबू करती है, उस जोश के साथ वो खेल रहे हैं। अब आप ये बताइए, जाते जाते विकेट के इस एपिसोड में क्या पाकिस्तान का कोई आउटसाइड चांस है सेमीफाइनल का या दी एंड? दी एंड है, क्योंकि आप उनके चार मैचेस देख ले, मुझे कल बैठ के ही थोड़ा देख रहा था, आपको उनमें से आप दो जीते हो, चार मैच बचे, गारंटी करने के लिए आपको चार जीतने, फर्ज करो आप चार ही जीत, तीन पे भी शायद आप टेक्निकली क्वालिफाई कर सकते हो क्योंकि नीचे की टीमें थोड़ी लड़ रही हैं, फिर भी उनके मैचेस बचे हैं न्यूजीलैंड के साथ, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, बांग्लादेश, इंग्लैंड एंड बांग्लादेश। आप मुझे बताओ इनमें से कोई ऐसी टीम लग रही है? मेरे हिसाब से अभी पाकिस्तान का कोई चांस नहीं है, और पाकिस्तान के फैंस को ये समझना होगा कि आपके वहां से जो लोगों ने सोशल मीडिया पे एक एंटी इंडिया नैरेटिव सेट किया, हर चीज में नुक्ताचीनी, इंडिया ये, इंडिया वो, हमारी साजिश, आपकी टीम का नुकसान है। अगर आप असली पाकिस्तान क्रिकेट फैन है, और मैंने बहुत से प्रोग्राम्स भी देखे, कई जो फॉर्मर पाकिस्तान लेजेंड्स हैं, मैंने वसीम अकरम का देखा यार जैसे, या और देखे, दे आर हर्ट, बट वो आप सच तो पहले भी बोल रहे हैं, सच आज भी बोल रहे हैं, अच्छा, बट अंदर उनकी हर्ट दिख रही है भाई। एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल उठाया गया पाकिस्तान में, आपके इसके ऊपर क्या राय है अभी, कि बहुत वाजिब सवाल है कि बाबर आजम, क्योंकि उनपे कई बार उंगलियां उठती भी हैं कि फेवरेटिज्म करते हैं दोस्तों का, भाई बाबर आजम के मैनेजर जो हैं वो शाहिनशाह अफरीदी के भी मैनेजर हैं, वो शादाब के भी मैनेजर हैं, वो रिजवान के भी मैनेजर हैं, तो है, ये तो प्रॉपर्टी का इशू है। देखो इंडिया में आपको याद है ये सवाल उठे थे कि जब कोई खिलाड़ी है उसकी मैनेजमेंट कंपनी से बाकी की डीलिंग नहीं होनी चाहिए थी, उनको उसके जवाब भी देने पड़े थे रिटर्न में, क्या पीसीबी इस पे देखेगा? मैं ये नहीं कह रहा उससे कोई घपला, बट स्टिल ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है जो हम भारत में बहुत देखते हैं, इस चीज़ पे तो होना चाहिए इन्वेस्टिगेशन। नहीं, बट ये तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को देखना चाहिए था भाई, है ना? आइए इधर आइए, आइए ना, आपका क्या नाम है? मेरा नाम भास्कर तिवारी है। भास्कर तिवारी जी, क्या करते हो आप? मैं अभी 12वीं पास करके प्राइवेट करके कुछ चक्कर में हूँ, इसके आगे पढ़ाई के चक्कर में कुछ बढ़िया करना है जिंदगी में, कुछ बनना है। हाँ, कुछ बनना है, कुछ बढ़िया करना है, अफसर बनना है, वकील बनना है, मतलब ऐसे कुछ बढ़िया नौकरी करनी है, छोटी छोटी नौकरी करनी है। हाँ, मेहनत अभी नहीं करूँ, दो साल से मतलब इस बात को लेकर परेशान हूँ कि प्राइवेट कर पढ़ना है तो नौकरी छोटी छोटी मिल रही है, उसमें पैसे मतलब पढ़ाई नहीं हुई। दिल में ठाना हुआ कि नहीं? दिल में ठाना हुआ। तो जब दिल में ठाना है तो क्यों नहीं होगा, मुझे ये बताओ। खुद होगा ना? हाँ, खुद गलती कर रहे हैं, पापा पैसे देने के लिए कहते हैं, लेकिन अरे यार मेहनत कर रहे हो ना। हाँ, क्रिकेट देख रहे हो? क्रिकेट वर्ल्ड कप का बताओ, बताओ ना क्रिकेट क्या चल रहा है वर्ल्ड कप? अभी वर्ल्ड कप में तो भारत आज लेटेस्ट जीतेगा, कौन मुझे ये बताओ? जीतेगा तो भारत ही, जीतेगा तो इंडिया, जीतेगा तो। भास्कर को दुआएं दीजिए आप प्लीज, मतलब ये खुद मेहनत बहुत कर रहे हैं। और आप कहाँ, बिहार से हैं आप? हाँ, बिहार से, बक्सर। स्पोर्ट्स तक देखते हो? बक्सर से। हाँ, स्पोर्ट्स बहुत देखता हूँ। हाँ हाँ, एकदम देखता हूँ। देखते हो ना? हाँ, देखता हूँ। वेरी गुड यार, थैंक यू वेरी मच। मेहनत करो यार दिल दबा के, है ना? वर्ल्ड कप भी बिना मेहनत के नहीं जीता जाएगा। मेहनत करते करते टाइम निकाल के क्रिकेट भी देखो। देखते हैं, देखते हैं, देखते हैं। इनका टाइम तो मतलब पहले 7 से 7:30 बजे था, उसके बाद 8, हाँ 7 से 8 बजे सब्सक्राइब के लिए कहते हैं कि जितने देखने के लिए हैं उस पर सब्सक्राइब कीजिए। आपने किया है ना? नहीं किया, नहीं है, मैंने देखा है अभी तक। जल्दी से करो, आज कर लेना,
नहीं मेरे पास फोन नहीं ना है, यही तो दिक्कत है, टीवी पर दिखता हूँ सो वही कह रहा हूँ। अच्छा चलो कोई बाप नहीं, आप बड़े आदमी बनो, मेहनत करो, अपने माँ बाप का नाम रोशन करो, मुल्क का नाम रोशन करो। तो चलो जी, मुझे निखिल के खिलाफ इजाजत दीजिए, अंधेरा भी हो रहा है। अगला एपिसोड जो आएगा ना विकनिक का, वो मैं आपको अभी से गारंटी देके दे सकता हूँ, कह सकता हूँ नहीं अभी कहा गारंटी, शायद मेरी फेवरेट मोस्ट फेवरेट डिश एवर है। ये बस आपको एक छोटा सा क्लू दे दिया, द मोस्ट फेवरेट डिश एवर होगी। थैंक यू वेरी मच। प्लीज एक तो अमेरिकन पिस्ताचियोस खरीद लीजिए, प्रोटीन जो इमाम ने मांगे थे उनको पता नहीं क्यों उन्होंने नहीं खाया, प्लस सर्दियां भी आ रही हैं भाई, सर्दियों में ये आपकी बॉडी को जबरदस्त वार्म भी रखेगा, खुशी ध्यान से, और सब्सक्राइब तो खरीद लीजिए बिल्कुल स्पोर्ट्स तक को। बाय बाय। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब, जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।